सड़कों के निर्माण में भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं स्टील तो कहीं प्लास्टिक के कचरे से रास्ते तैयार हो रहे हैं। वहीं सड़क निर्माण में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे लगा रही है। हालांकि इन कंपनियों पर अब गंभीर आरोप लगने लगे हैं। ताजा मामला औरंगाबाद जिले का है, जहां बारून प्रखंड के बरम बिगहा के पास NH-19 पर 1000 टन स्टील से तैयार रेलवे ओवरब्रिज अब बनकर तैयार है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। हालांकि ब्रिज निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई है, उन्हें अब तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में किसान काफी गुस्से में है। किसानों का कहना है कि करार के मुताबिक DFCCIL नामक कंपनी को समय पर पैसा भुगतान करना था, लेकिन कंपनी अब अपने वादे से पीछे हट रही है। किसान बकाया भुगतान को लेकर कभी कंपनी के अधिकारियों के पास तो कभी अन्य संबंधित कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। कंपनी के रुख से नाराज किसानों का कहना है कि अब आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बच गया है। समस्या है कि हम लोग के जमीन लिया गया और पैसा अभी तक नहीं मिला। मकान हम लोग को तोड़ दिया गया और मकान हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिला। मकान तोड़ दिया गया लेकिन पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, क्या कह करके जो है तोड़ा गया था मकान? बोला कि सरकार जो है अभी तक आपको नोटिस नहीं दिया है। नोटिस देने के बाद में सरकार जब पैसा नहीं देगी तो कंपनी भूअर्जन विभाग से आपको जैसे ये कंपनी। अच्छा, कंपनी ये कही थी कि जो है यदि सरकार पैसा नहीं देगी तो जो है कंपनी पैसा देगी जी, है ना? लेकिन कंपनी अब इस बारे में क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि अब हम पैसा नहीं देंगे, नोटिस हम भेजवा दिए, हमारा काम है नोटिस भेजवा। तो आखिरकार ये कैसे होगा जो है, ये जिम्मेदार कौन होगा जो है? जिम्मेदार तो पहले तो सर कंपनी लिया था, इसका जिम्मेदार तो कंपनी और DFCC होगा। अच्छा, लेकिन वो अब बात से इनकार कर रही है। हाँ, बात से बस मेरा काम था नोटिस देना। हाँ, मैंने नोटिस दे दिया। हाँ, अब वो सरकार जानती है, सरकार जबकि सरकार इस बारे में जो है जरा सा भी जो है संज्ञान नहीं ले रही। नहीं ले रही। अच्छा, कितना बकाया है आपका? बकाया तो मतलब 17 लाख कुछ रुपया के लगभग है। 17 लाख कुछ रुपया आपका? हमारे जैसे 2,76,000 से बना है, मैंने याद नहीं है हमको। सरकारी काम के लिए अक्सर किसानों की जमीन का अधिग्रहण होते रहता है, लेकिन मुआवजे के लिए अक्सर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी नियम भी जिम्मेदार है। कई बार तो किसान कोर्ट में चले जाते हैं, जहाँ सालों तक उन्हें मुआवजे के इंतजार में गुजारना पड़ता है। इसी कारण से कई इलाकों में किसान सरकारी कामों में भी जमीन देने को तैयार नहीं होते हैं। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।